हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, अब मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना कॉलेज की स्टडीज़, बिकॉज़ कॉलेज की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब डिग्री चाहिए तो। सो गाइस, जब मैं आपको बता दूँ, मैं फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, और यहाँ पर मेरी आज उसी की प्रिपरेशन चलने वाली है, बिकॉज़ थोड़ा बहुत कॉलेज का भी पढ़ लेना चाहिए। और एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया ही था कि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास में आ चुके हैं। और मैंने स्टार्ट की है AEC के सब्जेक्ट से, तो सबसे पहले हम AEC का सब्जेक्ट करेंगे गाइस। और उसमें ज़्यादा यूनिट नहीं आ रही हैं, दो यूनिट हैं और दो यूनिट के अंदर चैप्टर हैं। एक यूनिट के अंदर दो चैप्टर है, बाकी सेकेंड यूनिट के अंदर चार चैप्टर हैं। सो इस तरह से गाइस चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे। और मैं बता दूँ, मेरा AEC का जो सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर में, वो है संप्रेक्षण और संचार, ठीक है? ये दो हैं हमारे चैप्टर। सो गाइस, अब हम इसको करने वाले हैं। और पहले मैं इसके नोट्स बना लूँगी, शॉर्ट नोट्स, है ना। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद कम से कम ये हो जाता है कि हाँ, कम से कम हमें ये तो लगता है कि हमने कुछ तो बना के रखा है, एंड मोमेंट पे हम वो याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि क्या कहते हैं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, एग्ज़ाम तो पास कर ही लेते हैं। बट वही है गाइस, एग्ज़ाम में लिखने के लिए कंटेंट चाहिए होता है ना, तो काफ़ी सारा मटेरियल हो जाएगा ना जब हमारे पास लिखने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हमें एग्ज़ाम में अच्छे से ना हम लोग पेज भरने के लायक हो सके। वो कहते हैं ना, पाँच पन्ने तो अब कंपलसरी होते ही हैं, चार से पाँच, है ना, इतने वर्ड्स तो लिखने ही चाहिए। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इसलिए गाइस मैंने क्या कहते हैं, एक से डेढ़ या दो पन्नों में अपने नोट्स सारे निपटा लिए थे, है ना। मतलब एक एक यूनिट को निपटा लिया था, और साथ के साथ मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगने लगी थी, तो मैंने सोचा साइड में अपना मील रख लेती जो मैं खाने के लिए लेके आई थी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। आप देख सकते हो मेरा हिंदी का AEC का सब्जेक्ट है संप्रेक्षण की, है ना, संप्रेक्षण की अनावरण, उस चीज़ के बारे में लिख रही थी ना, तो और उसकी प्राकृतियाँ और, है ना, विविध, इस तरह से यूनिट का नाम है। और मैंने सोचा इसके जल्दी से नोट्स बना लेती हूँ, ताकि फिर उसको अच्छे से बैठ के रिवाइज़ करेंगे एग्ज़ाम्स के एक दो दिन पहले। और नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैंने ऐसे बनाए थे कि ताकि जब मैं उनको हैवी कंटेंट बना के लिखूँ ना, तो ईजी तरीके से मुझे सारा मटीरियल मिल जाए आंसर्स लिखने के लिए, कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये लिख सकते हैं, और कैसे कैसे आपको पहले हेडलाइन लिखनी है, फिर पॉइंट्स लिखने हैं, फिर पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। तो गाइज मैं तो इसी तरह से अपने आंसर्स करती हूँ, आई होप आप भी ऐसे ही करते होगे। और देख सकते हो मेरा ऑलमोस्ट एक पेज तो यहाँ पे कंप्लीट होने ही वाला है। इसी तरह से मैं आज पूरी ना वन यूनिट के अंदर हमारे दो चैप्टर आने वाले हैं, तो मैं आज के दिन वन यूनिट पूरी कंप्लीट कर दूँगी, और काफ़ी अच्छे से मैं इसे कर लेती हूँ। साथ के साथ मैं ना हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि इसके अंदर जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उनको याद अच्छे से करके जाऊँ, मैं भूलूँ ना कुछ भी। और AEC का सब्जेक्ट डेढ़ से या दो घंटे तक का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है, बिकॉज़ ये जो है हमारे मेन सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये हमें चूज़ करने पड़ते हैं। तो मेरा फाइनली मैंने एक पेज के नोट्स तो बना ही लिए थे, उसके बाद मैं यहाँ पे जितनी तेज़ी से हो सकते उतनी तेज़ी, वैसे तो मैंने यहाँ पे स्पीड कर रखी है, बट जितनी तेज़ी से हो सके मैं उस टाइम भी उतनी तेज़ी से ही लिखने की कोशिश करी थी। और मैंने अपना AEC जो है वो कम्प्लीट कर लिए, तो उसके नोट्स ऑलमोस्ट, तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी पूरे एंड में। मैं फिर सेकेंड यूनिट पर ना पहुँच चुकी थी, तो संप्रेक्षण और संचार का मतलब तो आपको पता ही है ना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड था पूरा चैप्टर, कैसे कैसे कम्युनिकेशन हमें हेल्प करती है, कितने कितने टाइप्स होते हैं, तो उसी को ही हिंदी में बता रखा था, जो कि हमने अपना इन्वायरमेंटल साइंस वाले चैप्टर में करे थे। और उसके अंदर हमारा जो टॉपिक था वो कम्युनिकेशन था, नहीं इन्वायरमेंटल साइंस नहीं था, सॉरी, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ था हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में। उसी का ही ये है इस जो कि सेकेंड सेमेस्टर में दे रखा है हमें, और उसके अंदर मेरे को क्या कहते हैं हिंदी में ये चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे, और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए गाइज मैंने सोचा जल्दी जल्दी से इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। वैसे नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, अगर आप एंड मोमेंट पे इसके क्या कहते हैं दो तीन वीडियो देख के चले जाते ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट आपको ये ना, जब आपको हैवी कंटेंट लिखना है भारी भरकम, तो इसलिए चीज़ें दिमाग में तो याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसी वजह से मैंने सोचा लिख लूँगी, लिखने के बाद थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा काफ़ी अच्छा। Thank you.
Straight, are you with me?